मैं आपके लिए इस बार लेकर आया हूँ अनबॉक्सिंग वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड ऑफ इंडिया विच इज कॉल्ड एलजी। और ये आपका जो है 9 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। मुझसे रिसर्च नहीं हुआ, दैट्स द रीजन मैंने सोचा कि इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊं। और हमारे साथ में जो हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं एलजी के इंजीनियर मिस्टर जाफर मिस्टर जाफिर। सो मिस्टर जाफिर इज गोइंग टू अनबॉक्स दिस और ये हमको इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी बताएंगे। तो जाफिर साहब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जैसा आप देख पा रहे हैं दिस इज एलजी डायरेक्ट ड्राइव 9 kg स्टीम वॉश और ये डायरेक्ट ड्राइव 6 मोशन के साथ ही। और ये है इसका आपका कंट्रोल पैन और ये आपका जो है एलईडी डिस्प्ले पैनल है। देख पा रहे होंगे कि ये काफी बड़ी मशीन है और ये पूरी की पूरी मशीन जो है स्टील ग्रे कलर में है और ये मेरे हिसाब से शायद एक ही कलर में आता है। और मैं आपको इसका एक प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ इस मशीन की। जाफर साहब की जो हाइट एक क्विक रेफरेंस गाइड है कि कैसे आप इसको क्या करें क्या ना करें कैसे स्टार्ट करना है बड़े आसान शब्दों में। और जो सबसे अच्छी बात है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ और ये जो दूसरा है ये मेरे ख्याल से मैनुअल है। एक बार जाफर साहब दिखाइए। इसके एरर कोड वगैरह दिए हुए हैं, कोई एरर आ जाता है मशीन में तो उसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए, कैसे कितने कपड़े डालने हैं, कितना कैसे लेवल लगना है, उसके फीचर्स के बारे में सब पूरा लिखा हुआ है। अच्छा, जो एक सबसे बड़ा जो मेरा जो बाइंग फैक्टर रहा इस मशीन के साथ वो था वाईफाई। तो मैंने जब ये वॉशिंग मशीन खरीदने का जब मैंने प्लान बनाया तो मैंने इसका वीडियो देखा था यूट्यूब में और उसमें दिखाया गया था कि इसके अंदर एलजी थिंक यू करके एक ऐप आता है जिसके तहत आप अगर आप दूसरे शहर में भी हैं और आपके घर का वाईफाई ऑन है और ये कनेक्टेड है तो आप दूसरे शहर से भी आप इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। जो पहले जो बाकी मशीनों में जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेटेस्ट जो आई थी दैट वाज स्मार्ट टच जिसमें ब्लूटूथ था। तो ब्लूटूथ का अपना एक रेंज है, आप उस रेंज के अंदर अगर आप हैं तो बस स्मार्ट टच आप ऐप यूज कर सकते हैं। लेकिन एलजी ने इसको वाईफाई करके एक बहुत ही कमाल का काम किया है। आप इस मशीन को कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, बजट सिर्फ इतना करना है कि इस मशीन को आपको अपने वाईफाई से घर के वाईफाई से कनेक्ट करना है। सर अब आप बताइए इसको। तो लॉक होता है अच्छा जैसे लेके आते हैं लेके आते हैं तो उसमें इसका टब जो हिलता नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है सॉल्व करने में। ठीक है इसकी इनबॉक्स में की भी रिमूव आ गई है। अच्छा ये की है, ये कहाँ पर था ये? अच्छा ये ड्राइव है इसका, इसको यहाँ तक खोल सकते हैं आप, इसके बाद इसको नहीं खोलना है। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों आप जैसा देख पा रहे हैं कि इसके टब को हम लोगों ने अनलॉक कर दिया है और अब हम लोग इसको फर्स्ट टाइम इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बस आप स्टार्ट कीजिए।
ये लिड का डक्टर जो नल में लगेगा आपका, ठीक है। यहाँ से आप पानी, इसको पाइप को निकाल के पानी भी यूज कर सकते हैं। ये लगा रहता है, ये पीछे लगेगा इसका। फिर आपने इसमें कपड़े डालने हैं, आप दोस्तों देख पा रहे होंगे ये काफी बड़ा ड्रम है। कैमरे में शायद आपको इतना ठीक से समझ ना आए, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे जो 6 किलो 7 किलो 8 किलो की जो टब्स होती हैं उससे ये काफी बड़ा और काफी गहरा है ये जी। कपड़े डालने, कपड़े हमको यहाँ तक रखने हैं। ओके, कुछ खाली रहना चाहिए पानी के लिए। यहाँ डिटर्जेंट डालना आपने, अच्छा खुशबू कंडीशनर वगैरह पहले डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। या फिर प्री वॉश के लिए सर्फ भी डाल सकते हैं प्री वॉश के लिए, लेकिन जो मेन जो डालता है वो इधर ही डलेगा। अच्छा रमन एक साथ बताइए, आपकी कई बार लोग कहते हैं कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में लिक्विड आपको डिटर्जेंट ही डालना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। तो ये एलजी कैसा रहता है? मैटिंग यूज करना चाहिए, मैटिंग में ऐसा होता है मैटिंग में तो झाग कम होते हैं तो पानी कम ही लेते हैं, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है सफाई की वो अच्छी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो ये एक बार में ये कितना डिटर्जेंट ले पाता होगा? ये इसमें पूरा भर के नहीं डालना है, कपड़ों के अकॉर्डिंग ही डालना है। अच्छा, ऐसे नहीं कि भर के डाल दे, इसको जितनी जरूरत होगी उतना लेगा, वो पूरा ही ले लेगा। अगर मान लीजिए कि मुझे वुलन कपड़े धोने हैं जिसके लिए मैं इजी यूज करना चाहता हूँ तो इसमें डालना है आपने, इसमें ही डाल। और ये जो है ये खुशबू वगैरह के लिए, और ये क्या चीज है? ये आपका प्री वॉश के लिए होता है, इसमें प्री वॉश का ऑप्शन है, उसमें जैसे प्री वॉश में पहले से थोड़ा सर्फ डाल देंगे, पहले यहाँ से सर्फ लेके वो अच्छा उसको एक बार 2-3 मिनट घुमा के ड्रेन कर देगा, अच्छा। उसके बाद बीप की आवाज आएगी तो फिर आपने इसमें दोबारा से सर्फ डालना है। अगर हम एक बार में इसमें डाल दें और इसमें डाल दें और प्री वॉश पूरा ही चला जाएगा, फिर पूरा ही चला जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है कि प्री वॉश के समय सिर्फ हमको जब आप प्री वॉश का सेलेक्ट कर रहे हैं तो पहले यहाँ डालें, और जब प्री वॉश का जब बीप आ जाए उसके बाद फिर यहाँ सर्फ डालें। पावर ऑन कर देना, इसको पावर ऑन करने के बाद में देखना है कि जो हम कपड़े धो रहे हैं वो किस तरह के कपड़े हैं। अगर हम धोने कॉटन कपड़े हैं तो ये कॉटन का ऑप्शन है, ये लाइट कॉटन का रहनी चाहिए, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे तो वो कॉटन पे काम करेगा, ऑटोमेटिक वॉश करेगा, रिंस करेगा, स्पिन करेगा, धुलेगा, खंगालेगा, सुखा देगा, वाटर लेवल अपने आप करेगा, टेम्परेचर अपने आप करेगा, कितने डिग्री पे उसको अभी जो टेम्परेचर दिखा रहा है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 क्वार्टर के वाले ऑप्शन 60 एंड 95 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कर देता है। रहता वो कॉटन प्लस, कॉटन प्लस में आपके आते हैं ऊनी कपड़े, ठीक है, थोड़े स्वेटर वगैरह बहुत जो हैवी होते हैं। फिर रहता आपका मिक्स, मिक्स में आपके रोजाना के कॉटन देंगे, अच्छा मिक्स में मिक्स, ठीक है। इजी केयर, आपको कोई कपड़े लगते हैं कि बहुत मुलायम कपड़े हैं तो प्रेशर पड़ जाते हैं तो उसमें ये धीरे धीरे धुलते हैं, इजी केयर। डुएट चादर वगैरह साड़ी वगैरह, ठीक है। एलर्जी केयर, कोई बीमारी वाले कपड़े धोना चाहते हैं। स्टीम केयर, 5 साल तक के बच्चों के, अच्छा जो गर्म भाप देते हैं उसको स्टीम देता है। तो क्या स्टीम वॉश और जो आपका मतलब जो ड्राई क्लीन करते हैं क्या दोनों सिमिलर है? तो मतलब कि बच्चों के लिए अगर कोई ऐसा कपड़ा है जो बहुत डेलिकेट है जिसको हम सिर्फ ड्राई क्लीन जैसा कुछ करना चाहते हैं तो हम उसको स्टीम वॉश कर सकते हैं। फिर आता है आपका डाउनलोड साइकिल, डाउनलोड साइकिल वही है आपका जो आप डाउनलोड करेंगे स्मार्ट थिंग, वो इसी में काम करेगा। स्पीड 14, इसमें स्पीड 14 है, इसमें आपका जो वॉश करेगा उसमें पहले 14 मिनट तक घुमाएगा कपड़ा को, ठीक है, उसके बाद वॉश रिंस और स्पिन करेगा। साइलेंट वॉश, घर में छोटे बच्चे हैं, सो लगता है आपको उठने जाए कोई तो रात को ज्यादा आवाज आती है तो इसलिए आप साइलेंट वॉश में लगा सकते हैं। स्टीम केयर, स्टीम केयर में आपका ऐसा होता है जैसे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं पार्टी वेयर जिनमें नेट वगैरह जाली वगैरह कुछ लटकन वगैरह ऐसे लगी होती है लेडीज के कपड़ों में, उसमें केयर करता है मतलब धीरे धीरे बहुत धीरे से धुलता है। डेलिकेट भी आपका उन्हीं कपड़ों के लिए है। जेंटल केयर आपके कोट वगैरह पेंट वगैरह जी उस तरह के आते हैं शेरवानी वगैरह, ठीक
स्पोर्ट्स वगैरह आपके खेल कूद के कपड़े हैं स्पोर्ट्स के, बाकी इसमें यही है जो भी ऑप्शन ऑप्शन लेना वो लेंगे, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। इन ऑप्शन के साथ हम अलग से और भी यहाँ से ये ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, जैसे टर्बो वॉश हो गया आपका, ठीक, टर्बो वॉश भी आप ऐड कर सकते हैं। इसमें अगर प्री वॉश करना है आपने इसको किसी भी ऑप्शन के साथ, तो इसको 3 सेकंड प्रेस करके रखना पड़ेगा, ये प्री वॉश हो जाएगा। फर्स्ट टाइम पहले थोड़ा प्री वॉश का ऑप्शन में सर्फ डालें, सर्फ डालना है आपने एक बार कपड़ों को घुमा के जो गंदगी वगैरह निकाल देगा, उसके बाद दोबारा वॉश वाले में आपने सर्फ डालना है, वो इसके साथ आप ले सकते हैं 3 सेकंड प्रेस करके, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। तो ये टर्बो वॉश एक्चुअली है क्या, ये से काम क्या है, ये जो टर्बो वॉश जो आपने दिखाया है? अच्छा सॉरी, ये जो टर्बो वॉश है ना आपका, जैसे कोई भी आपने ऑप्शन ले लिया, मिक्स ले लिया और हम इसमें टर्बो वॉश करते हैं, तो टर्बो वॉश में इसका होता है जो इसकी सुखाने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा, यानी हाई आरआरपीएम पे काम करता है, ठीक है, और आरपीएम को आप अपने हिसाब से भी कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पे आपने पहले पॉज करना पड़ेगा, तब कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो ऑटोमेटिक ऑप्शन फंक्शन के हिसाब से अपने आप सेंस कर लेते हैं कितने उसको टाइम चाहिए, ठीक है। फिर आता है इंसेंटिव, जैसे मिक्स में आपने इंसेंटिव लेना है, इंसेंटिव ले लेंगे हम आपका, इसमें पता है ज्यादा गंदे कपड़े एक बार ये जैसे ज्यादा गंदे है तो इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा ऐड हो जाएगा उसमें। अच्छा, इसमें फिर एक ऑप्शन और भी है, चाइल्ड लॉक, छोटे बच्चे हैं वो छेड़ देते हैं चलती मशीन, इसलिए ये पैनल काम नहीं करेगा, इसको 3 सेकंड प्रेस करेंगे तो चाइल्ड लॉक हो जाएगा आपका। अच्छा, तो ये ऑप्शन कोई भी काम नहीं करेगा, ओके, वापस करने के लिए फिर 3 सेकंड से करना पड़ेगा। फिर आता है आपका रिंस, कोई भी ऑप्शन लेंगे, हमने रिंस ले लिया, रिंस में जो उसकी खंगालना है पानी जो निकालता है सब, उसको पानी को एक्स्ट्रा निकालेगा वो। अच्छा, आपको लगता है कि किसी कपड़े में हमारे साबुन लगा रहा जाता है, तो उस कपड़े में आप इसको रिंस को यूज कर सकते हैं, रिंस वाला, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन और भी है, टब क्लीन, अब टब क्लीन में यहाँ पे कैल्शियम बहुत ज्यादा है पानी में, ठीक है, तो इसके टब के अंदर वो जम जाता है, तो उसको क्लीन करने के लिए टब क्लीन करना होता है, ठीक है। एलजी ने इसका एक पाउडर भी बनाया, डिस्केल पाउडर, ठीक है, उस पाउडर को हर महीने डालना है आपने और टब क्लीन को 3 सेकंड प्रेस करना है और स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, तो इसकी मशीन की अपने खुद की सर्विस करेगा वो, ठीक है, उसमें कपड़े नहीं डालने हैं। डिले एंड, डिले एंड आप ऑप्शन लेंगे कोई भी, डिले एंड में आपने होता है, जैसे हम जो इसको पानी का जो नल लगाएंगे, हम टैंकी वाले में नहीं लगाते हैं, ताजे पानी वाले में लगाते हैं, जो आते हैं हमें लगता है आपसे 4 घंटे के बाद पानी आएगा, तो हम इसको 5 घंटे इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, तो 4 घंटे में स्टार्ट हो जाएगी, 1 घंटा उसका रनिंग का होगा, ठीक है। इसमें वाईफाई का ऑप्शन भी है, वही घर में एक राउटर होना चाहिए, नेट होना चाहिए, उसको ऑन करेंगे, वाईफाई को 3 सेकंड प्रेस करेंगे, ठीक है, अपने मोबाइल में ये स्मार्ट थिंग ऐप डाउनलोड करेंगे, यहाँ वाईफाई की तरह ऑप्शन में सर्च करेंगे आप जाके, तो मशीन का ये नंबर आ जाएगा, उसमें जाके ओके वॉशिंग मशीन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपकी मशीन वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगी, उसमें और ज्यादा ऑप्शन आ जाएंगे, ये जो ऑप्शन है इसके अलावा भी और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। अच्छा, फिर आपका ऐड आइटम, ये ऐड जो आइटम है ये भी आपका डाउनलोड साइकिल यानी कि स्मार्ट थिंग पे ही काम करता है, इसमें और ऐड हो जाते हैं आपके अच्छा फंक्शन, ठीक है। रिमोट स्टार्ट, ये रिमोट स्टार्ट की तरह भी काम करता है, ठीक है। हाथ में हाथ से धो लिए, आपको सिर्फ सुखाने सुखाने हैं, ये बरसात में बाहर भीग गए आपके, होकर उसके लिए आप स्पिन कर सकते हैं, खाली खाली स्पिन दबाएंगे, आरपीएम ले सकते हैं आप जितना चाहें, 400, 800, 1200, 1400 जितना लेना वो लेके स्टार्ट कर देंगे, तो खाली सिर्फ सुखाएगा। अच्छा, ठीक है। टेम्परेचर अपने आप सेट करता है, लेकिन आप चाहे तो कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी इसकी 10 साल की इसकी मोटर की वारंटी है, ठीक है, और 2 साल की पूरी मशीन की है, पूरी मशीन की वारंटी है। एलजी में एक आप इसकी वारंटी एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अच्छा, 3 ईयर और ऐड कर सकते हैं उसमें आप, मतलब कंप्लीट वारंटी 5 ईयर हो जाएगा, ठीक है, पर कुछ चार्ज पे करने होंगे आप,
ठीक है। उस कंडीशन में ना तो आपने कोई सर्विस चार्ज देना होता है 2 साल के बाद में, ना किसी पार्ट का कोई पैसा देना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये ज़्यादा सर्विस मिलती बढ़िया। है। ये डीसी वोल्ट पे काम करता है आपका, अच्छा ये एसी वोल्ट पे नहीं करता है, इसमें ठीक, करंट वगैरह का भी चांसेस बहुत कम रहते बहुत हैं। कम रहता है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम इसको इसके सही जगह पे जहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल करना है हम इसको चलाएंगे। चलाने के बाद हम कुछ टाइम कपड़ों को धोएंगे और महीने 1.5 महीने के बाद जब इस्तेमाल करने के बाद जो मेरा रिव्यू होगा वो मैं डेफिनेटली आप लोगों को करके दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको जो इनका ऐप है LG थिंक क्यू का, एक उसका भी डेमो मैं दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं कुछ टाइम इस मशीन को इस्तेमाल करना चाहता हूं ताकि आपके सामने मैं एक सच्ची और साफ सुथरी जो है रिव्यू LG की मैं लेकर आऊं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड एवरी वन माई ऑल व्यूअर्स, हैप्पी न्यू ईयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कूल, टेक केयर, बाय बाय।